आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फ़ोन की मैसेज रिंगटोन चेंज कैसे करें, या फिर अपने फ़ोन की मैसेज की नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज कैसे करें। तो यहाँ पे इसके लिए आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करिए, उसके बाद यहाँ पर आएगा साउंड एंड वाइब्रेशन, तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा रिंगटोन अलार्म, और यहाँ पे आएगा नोटिफिकेशन, या फिर आपके फ़ोन में मैसेज टोन के नाम से आएगा या फिर मैसेज रिंगटोन के नाम से आएगा। तो जैसे कि हमारे फ़ोन में आ रहा है नोटिफिकेशंस के नाम से, तो इस पर आप क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद हो सकता है आपके फ़ोन की सारी रिंगटोन्स आएंगी, बट अगर नहीं आती हैं ऐसा पेज आ रहा है तो यहाँ पे आएगा नीचे प्री इंस्टॉल्ड रिंगटोन्स, तो इस पर आप क्लिक करिए। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस आएगा, इस पर क्लिक करिए। और अब इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके फ़ोन में काफ़ी सारे नोटिफिकेशन साउंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो साउंड यानी कि जो रिंगटोन आपको लगानी है, जो रिंगटोन आपको सेट करनी है, यहाँ पे आप उस पर क्लिक करिए। तो जैसे कि हम लगाएंगे यहाँ पे ये वाला साउंड बॉटल, तो इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करने के बाद आएगा अप्लाइड सक्सेसफुली, आपके फ़ोन में नीचे ओके करने के लिए आ सकता है, तो साउंड सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे ओके पे क्लिक करिए। उसके बाद आपका ये रिंगटोन यानी कि मैसेज के लिए रिंगटोन सेट हो गया है। यहाँ पे अगर आपने कोई मैसेज रिंगटोन यानी कि कोई साउंड डाउनलोड किया है आपको उसे लगाना है, तो नीचे या फिर ऊपर आएगा ये प्लस का आइकन, तो नीचे हमारे फ़ोन में आ रहा है तो प्लस के आइकन पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा यहाँ पे फाइल मैनेजर या फिर म्यूज़िक, तो जहाँ पे आपका वो साउंड है वो लोकेशन सेलेक्ट करिए। हम फाइल मैनेजर पे क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे कि ये वाला साउंड हम सेट कर रहे हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे ओके पे क्लिक करिए। ओके करने के बाद अब ये माय रिंगटोन्स में आ रहा है, तो अब इस साउंड पे क्लिक करिए यानी कि इसे सेलेक्ट करिए। तो अब ये वाला मैसेज टोन आपके फ़ोन में सेट हो गया है, यानी कि मैसेज टोन लग गया है। तो इसी तरीके से अपने फ़ोन की मैसेज रिंगटोन को चेंज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।